चंद्रयान 3 लॉन्च, 40 दिनों में चांद तक। चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा 3.84 लाख किमी का सफर। चंद्रयान 3 जर्नी। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की संभावित तिथि 23 अगस्त है। इस बार मून मिशन के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, केवल लैंडर और रोवर ही इसमें होंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने की संभावित तिथि 23 अगस्त है, यानी चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिनों का समय लगेगा। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। ये मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना। ऑर्बिटर नहीं होगा साथ। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का ये लक्ष्य LVM-3M4 रॉकेट की सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ पूरा होगा। ये बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसके साथ लैंडर और रोवर मौजूद होंगे। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां काम कर रहा है। 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी रॉकेट की रफ्तार। दोपहर 2:35 बजे जब रॉकेट बूस्टर को लॉन्च किया जाएगा तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1,627 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टॉप होगा और रॉकेट की रफ्तार 6,437 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे और रॉकेट की रफ्तार 7,000 किमी प्रति घंटा पहुंच जाएगी। इसके बाद करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल से बचाने वाली ही शील्ड अलग होगी। 115 किलोमीटर की दूरी पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा और प्रोजेक्ट इंजन काम करना शुरू कर देगा। रफ्तार 16,000 किमी घंटा होगी। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 179 किलोमीटर तक जाएगा और इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर घंटे पहुंच चुकी होगी।